ओके अच्छा, तो ये है स्टेबिलिटी वाला है। बॉन्ड एंथैल्पी डेफिनेटली स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगा ना, डेफिनेटली तभी तो स्टेबिलिटी ज्यादा है एचएफ की। एचएफ की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें बॉन्ड एंथैल्पी डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए भी मैं सेम ट्रेंड में ले सकती हूँ, स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एंथैल्पी, इन दोनों के लिए मैंने एक ही साथ ये दिखा दिया है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो बॉन्ड एंथैल्पी। तो स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एंथैल्पी दोनों बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन दिखाते हैं, स्टेबिलिटी और बॉन्ड एंथैल्पी। आप कुछ भी ले लो यहाँ पे, ये बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन दिखाते हैं, तो डेफिनेटली इस तरीके का मेरा ट्रेंड रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी अगर देखते हैं, लाइक बेसिक प्रॉपर्टी, भी नीचे की तरफ घटता है, क्लियर है? अच्छा, दैट मींस एचएफ इज मोर बेसिक देन एचसीएल इज मोर बेसिक देन एचबीआर इज मोर बेसिक देन एचआर। इसका रीजन मुझे बता सकते हो? बेसिक रीजन मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रुप 15 में पढ़ाया था कि नीचे की तरफ बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, उसका क्या साइज रीजन? साइज, नीचे की तरफ साइज जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती जाती है, और बेसिक प्रॉपर्टी भी उसका प्रोटोनेशन की जो एफिनिटी होती है वो घटती जाती है नीचे की तरफ, तो बेसिक प्रॉपर्टी घट जाती है। तो यहाँ पे रीजन क्या देना है, क्या रीजन दोगे? विद इंक्रीज इन साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस मैम एंड मैम आपसे बात करो तो हाँ, कर दिया कर दिया कर दिया। आज लेट आ रहे हो बच्चे। विद इंक्रीज इन साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एंड प्रोटोनेशन टेंडेंसी और प्रोटोनेशन डिक्रीजेस, आई मीन आप बोल सकते हो एफिनिटी फॉर प्रोटोनेशन डिक्रीजेस, ठीक है? दैट्स व्हाई बेसिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करती है, ये रीजन आप दे सकते हो, क्लियर है? अच्छा, बेसिक प्रॉपर्टी के बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है? तो एचएफ का सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, क्योंकि नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर भी घटता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर छोटा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर लेते हैं तो एचएफ का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है सबसे ज्यादा है क्लियर है? ओके ठीक है, तो डेफिनेटली इसके इसका रीजन, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर का रीजन हम दे तो ये वाला जो है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बहुत इजीली रिड्यूस होना चाहेगा, तो अगर ये रिड्यूस होना चाहेगा तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा इसका, क्लियर है? तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, अगर रीजन आपको देना है तो, क्लियर है ना? इन चारों में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो टॉप में है फ्लोरीन जो है, तो ये इजीली रिड्यूस होना चाहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, जब रिड्यूस होना चाहेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका ज्यादा होगा सबसे, और नीचे की तरफ घट जाता है, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत आपको मैंने आइडिया दे दिया है, और एग्जैक्टली द सेम ग्रुप 16 और 15 में सेम थिंग आपको पढ़ा था मैंने, कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, मॉलिक्यूल बदल चुका है, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि डिक्रीजिंग जो ट्रेंड है वो बता दिया है, हम देख लेते हैं कि नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ट्रेंड किस किस का रहता है, ये लिखना है नहीं तो मैं फिर रब करूंगी। हाँ लिख लियो ओके, अच्छा अब मैंने आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड बताया था, अब देख लेते हैं नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ट्रेंड किस किस का रहेगा, किस किस का रहेगा नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ट्रेंड। एसिडिक प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग पावर एंड बॉइलिंग पॉइंट,
इंक्रीजेस डबल टर्म ठीक है। सबसे पहले चलते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी से, तो क्वेश्चन देते हैं ये आपको पूछा जाएगा आउट ऑफ एच एफ एंड एच आई और आउट ऑफ एच बी आर एंड एच आई व्हिच वन इज मोर एसिडिक। तो एसिडिक प्रॉपर्टी पे जब हम चलते हैं तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एच एफ इज लेस एसिडिक then HCl is less acidic, then HBr is less acidic than HI. आपको क्या लगता है, usually आपको मैं आपका सारे बच्चों का तो इस आप अभी 12th class में हो, आपको क्या लगता है अरे HCl तो बहुत strong acid है, usually आपको होता है H2SO4 HCl, बच्चे mostly दो acid को बहुत अच्छे से जानते हैं, that is H2SO4 and HCl, ठीक बोल रही हूँ ना, yes or no? दो एसिड के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है बच्चों को, एक तो H2SO4 और HCl, आप लैब में प्रिपरेशन करते हो तो इन दोनों को ज्यादा यूज भी करा जाता है, H2SO4 और HCl, सही है कि नहीं बोलो। मोस्टली अगर आपको कोई एसिड के बारे में पूछा जाएगा, आपको मेल या आपको एसिड के, आपको बोलेंगे बट आप एक एसिड का नाम लो, आप क्या लोगे, कौन कौन सा नाम, दो नाम यूजुअली टॉप टिप पे रहता है, वो क्या है, एक तो H2SO4 होता है और एक HCl होता है। कभी आपने सुना है किसी बच्चे को बिके एक एसिड का नाम बताओ, HF बोलेगा या HI बोलेगा होता नहीं ऐसा, ये बिल्कुल टॉन्ग टिप पे रह जाता है H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, किंग ऑफ एसिड माना जाता है। नेक्स्ट H2SO4 किसका नाम लेते हैं, HCl का नाम लेते हैं, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि HCl से काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HI, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी नीचे की तरफ बढ़ता है, क्लियर है, ओके ठीक है अभी। तो अच्छा इसका रीजन क्या दोगे, कि नीचे की तरफ HF सबसे वीक एसिड है एंड HCl है, HBr है, HI है, आउट ऑफ HCl एंड HI व्हिच वन इज मोर, व्हिच वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, HI इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, इसका रीजन क्या दोगे आप, रीजन क्या है, नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, सेम रीजन, और साइज के बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ साथ H+ को रिलीज करना इजी हो जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी घट जाता है, रीजन क्या है, विद इंक्रीज इन साइज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड बॉन्ड enthalpy decreases, so easy to remove an H+, clear है, या reason दे सकते हो नीचे की तरफ acidic property क्यों बढ़ती है। अच्छा acidic property के बाद आपको आता है reducing power will take the same trend as this, तो reducing power proper आपको मैं यहाँ पे थोड़ा लिखवा देती हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन देते हैं रीजनिंग में दे देंगे आपको, या ऑर्डर बना के लिखो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो रिड्यूसिंग पावर का क्या हाल है, सेम थिंग, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, सो HF इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन HCl इज वीकर देन HBr इज वीकर देन HR, सेम थिंग बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी, द सेम रीजन एसिडिक और रिड्यूसिंग का, रिड्यूसिंग का सेम रहेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड एंथैल्पी घटता है, तो इजीली H+ को रिलीज कर देता है, सो हाईली रिड्यूसिंग, क्लियर है, आउट ऑफ HBr एंड HI व्हिच वन इज मोर रिड्यूसिंग इन नेचर, HI इज मोर रिड्यूसिंग। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आप इसको छोटी जो जितने सर आपको मैंने नोट्स बनाया है, अगर आपने इसको रखा हुआ है तो अच्छा है, आप उसे रख दो, और जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो ना, आपको मैं होमवर्क देती हूँ, फिर ये सारा अप्लाई होता है वहां पे, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा तो बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बात आती है, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट में, नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। अच्छा बट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है HCl से, नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट
HF का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पहला वाला थोड़ा एक्सेप्शन दिखाता है, ये बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा एक्सेप्शन दिखाता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. क्लियर है? तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो HF का ज्यादा होता है HCl से, HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, पर उसके बाद घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो यूजुअली बढ़ रहा है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट HCl का है, फिर HBr का है, और यहाँ पे फिर HI का है नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, मतलब इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, फिर इसका है, फिर इसका है, बट सबसे ज्यादा किसका होता है? HF का होता है. ये थोड़ा डिफरेंट एक्सेप्शनल केस हो जाता है. और HF में क्यों थोड़ा ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है? यहाँ पे क्या है, आप लिख सकते हो HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. क्लियर है? तो HF possesses high boiling point than the rest group hydrides. अगर हम लेते हैं तो what is the reason? Due to hydrogen bonding. अब पूछा जाएगा out of HF and HBr which is having higher boiling point. Clear है? तो HF का ज्यादा होता है due to, यहाँ पे आपको बता देती हूँ, HF का intermolecular hydrogen bonding के लिए इसका सबसे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और बाकी फिर यहां से बढ़ता है, ऐसे यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है ये, बट इसका थोड़ा एक्सेप्शनल केस है. अब ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिजल्ट पता है आपको क्या देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, आप देख रहे हो HCl, आउट ऑफ HCl एंड HI आपको पूछा जाएगा व्हिच वन इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, HI इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके लिए कौन सा रीजन दिया जाता है? याद करो, बताओ बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट में कौन सा रीजन आता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाता है. बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा. एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, डायरेक्ट रिलेशन होता है पूरा, जिस जो जो कि खाली HF में है, तो इसका सबसे ज्यादा हो गया. इसलिए बाकी बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेस्ट के लिए. रेस्ट के लिए अगर मैं देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स, व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. तो आप ये रीजन भी दे सकते हैं. मैम एक बात समझ नहीं आई, अगर हम लोग फिगर बना के इमेजिन करें तो मैम एच का तो एटम उतना ही बड़ा रहेगा, तो वो तो हर मॉलिक्यूल के साथ उतना ही वैन डर वाल वो बनाएगा बॉन्ड या फोर्स. आई जो है बहुत बड़ा साइज का है मैम, लेकिन एच तो उतना ही साइज का है ना. नहीं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, आपको डाउट ये लग रहा है? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारा डाउट अभी क्लियर करेंगे वो जस्ट. मैं अगर आपने ये लिख दिया है तो इसको मैं पूरा रब करूंगी और यहाँ मुझे फिगर बना के दिखाना पड़ेगा. मैम लिख दिया है. हो गया डन? यस मैम. आपको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन की तरफ से बॉन्ड फोर्स रहेगा? आयोडीन की तरफ से तो फोर्स हो सकता है. हम पर हाइड्रोजन का आटम तो छोटा ही रहेगा ना. अभी 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 क्लियर करते हैं. ठीक, अच्छा डाउट है, डाउट होना बहुत जरूरी है. तो ये डन है बच्चे, सारे डन है, क्लियर है? मैं इसे रब कर दूं? यस मैम. ठीक ठीक, अच्छा मैंने अटेंडेंस भी नहीं लिया, 10 मिनट बचा है, तो चलो मैं पहले इसका डाउट क्लियर कर दूं और फिर अटेंडेंस लेंगे, फिर कमिंग सेशन में आप आओगे. अच्छा ऐसा नहीं है कि इस बार मैंने अटेंडेंस ले लिया है तो अगले नेक्स्ट जो एडमिट हो गया आप फिर एब्सेंट कर दोगे, ऐसा नहीं करना. ठीक है, तो चलो बिठा ही देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इट इज ऑल दिस. और तुम्हारा जो डाउट है मैं बता क्या है देखो जस, हाँ उसके बाद मैं अटेंडेंस लूंगी. हाँ 10 मिनट बचा है, और ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है, राइट? यस यस मैम. अब ये आयोडीन है और ये हाइड्रोजन, am I right? हाइड्रोजन का एटम बड़ा क्यों हो गया? कहां पे बड़ा हो गया? ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है.
ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, ये हाइड्रोजन है, दो एच आई मॉलिक्यूल जुड़ने वाले हैं, ये भी एच आई है, ये भी एच आई है, दोनों जुड़ रहे हैं, आयोडीन की तरफ से जुड़ रहे हैं, इसका लार्जर सरफेस एरिया है, तो वन फोर्स कितना बनेगा? हाँ, अगर ऐसे जुड़ेंगे मैम फिर तो बनेगा, बनेंगे ना, तो डेफिनेटली वो तो सारे मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि जब ये क्लोजर आएगा तो इसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये हाइड्रोजन साइट में है, तो डेफिनेटली हो गया क्लियर, डेफिनेटली डेफिनेटली। अब ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों दो एचएफ मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो फ्लोरीन से जुड़ेंगे, डेफिनेटली इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वन फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? वेपर में उड़ जाना, वेपर में कन्वर्ट हो जाना, तो इन दोनों में वेपर में कौन जल्दी कन्वर्ट होगा? ये जल्दी कन्वर्ट होगा क्योंकि इसको नीचे टूट जाएगा, क्लियर? यहाँ पे तोड़ने के लिए काफी एनर्जी चाहिए, काफी हीट चाहिए मुझे, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम, क्लियर है? दैट्स व्हाई जब मैं नीचे की तरफ जाती हूँ तो वन फोर्स yes, बढ़ जाता है, सब कुछ के साथ, ठीक है? ओके, अच्छा अब हम चलते हैं अटेंडेंस में, ले लेती हूँ फटाफट से, और फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊंगी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ऑक्सो एसिड्स, फटाफट से मुझे नाम बता दो, पहले हम महाग्रंथि वाले बच्चों का अटेंडेंस ले लेते हैं और फिर मैं लेने जा रही हूँ इनका, किसका? यापा जनकपुरी का, जनकपुरी का लगभग कल तो सारे प्रेजेंट थे बच्चे, सारे सारे के सारे, देख लेते हैं, प्रियांशी एब्सेंट है, अच्छा अगर मैं किसी का नाम ले रही हूँ वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और आपको पता है कि वो प्रेजेंट है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना प्लीज। हाँ तो प्रियांशी एब्सेंट है ना? यस मैम। ठीक है, रिया की तबीयत ठीक नहीं है? रिया Yes, ma'am. तबियत ठीक रही है, ठीक है, रिया प्रेजेंट है। हिमांशी, हिमांशी आज काफी लेट इंटर करा है उसने, हिमांशी प्रेजेंट? हिमांशी प्रेजेंट है? अभी मैंने उसको एडमिट भी करा था। अच्छा दीपांशी प्रेजेंट? दीपांशी यस मैम। ओके, स्नेहा एब्सेंट है, काफी दिनों से एब्सेंट है, ठीक है। ज्योति, ज्योति प्रेजेंट? ज्योति प्रेजेंट? रिया बताओ बेटा, ज्योति प्रेजेंट है क्या? सागर, सागर प्रेजेंट है, ठीक है। भाग्यनाथ एंड हर्ष, भाग्यनाथ एंड हर्ष मुझे बताओ। प्रेजेंट मैम। ये भाग्यनाथ है? अच्छा यस मैम। हर्ष तुम्हारा दोस्त प्रेजेंट है कि नहीं है? हर्ष मैम प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट है। अच्छा हर्ष थोड़ा मिस कर रहा है क्लास, भाग्यनाथ तो बीच में बहुत दिन तक नहीं आ रहा था। और अमन, अमन एंड मोहित? मैम प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट मैम। ओके, उदय एंड प्रथम? मैम ज्योति एब्सेंट है, ज्योति एब्सेंट है, ज्योति एब्सेंट है, अच्छा ठीक है, मैं उसका एब्सेंट लगा देती हूँ, ठीक है। और अमन एंड सॉरी उदय एंड प्रथम, उदय तो शायद प्रेजेंट है आज, और प्रथम का मुझे नहीं पता, बता दो थोड़ा सा प्रथम के बारे में, प्रथम का बता दो एंड स्पर्श का बता दो, स्पर्श मैम? यस मैम। कौन है ये? मैम हिमांशी को प्रेजेंट लगा दो, हिमांशी को प्रेजेंट लगा दिया है मैंने, लगा दिया है प्रथम और स्पर्श का। यस मैम। ये कौन है? स्पर्श। अच्छा ठीक है,
जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ तो दैट मीन्स प्रथम एब्सेंट है, ठीक है, दैट मीन्स प्रथम एब्सेंट है, स्पर्श प्रेजेंट है, आदित्य कौशल, कौशल तो प्रेजेंट मैम, आदित्य प्रेजेंट है, ठीक है, अभी रेगुलर हो रहा है थोड़ा सा, और ओजस, ओजस भी प्रेजेंट है, और रिद्धिम भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं जनकपुरी में, आस्था प्रेजेंट मैम, जस्ट 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 वंशिका एंड आंचल बोथ आर एब्सेंट, अंकित, अंकित बताना जरा, अंकित अंकित बताओ वंशिका आंचल के बारे में, वंशिका एब्सेंट है, आंचल प्रेजेंट है, आंचल प्रेजेंट है, उसकी माइक काम नहीं कर रही है, ठीक है, ओके। सनोवर नाशी प्रेजेंट मैम, सनोवर प्रेजेंट है, आशी प्रेजेंट मैम, यस, ऋषिता एंड मानवी प्रेजेंट मैम, ऋषिता यस प्रेजेंट है, अमन अनुराग प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, गुड, अंकित आयुष प्रेजेंट मैम, ये आयुष का था, यस मैम, तो अंकित एब्सेंट है आज, अच्छा, यस मैम एब्सेंट, अंकित एब्सेंट है, यस यस मैम, अच्छा अंकित एब्सेंट है, ओके, कोई भी एब्सेंट नहीं रहता है, दीक्षांत एंड मुदित प्रेजेंट मैम, ठीक है, तो आज का मैं आपको बता देती हूँ, आज के पूरे मैं जनकपुरी के दो बच्चे वंशिका एंड अंकित एब्सेंट है, और महावीर इंक्लेव का बच्चों में से मैं बताती हूँ, एक दो तीन चार, चार बच्चे एब्सेंट हैं, ठीक है, तो अभी ये ऑफ भी हो जाएगा, तो मैं अभी आपको फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मैं ये तो समझ में आ गया होगा, ओजस कोई डाउट नहीं है अभी इसमें, नहीं मैम क्लियर है, अब नेक्स्ट चलेंगे ऑक्साइड में, चलेंगे ऑक्साइड में ज्यादा नहीं पढ़ना है, और सीधे चलेंगे ऑक्सो एसिड में, मैं इसे रब कर लेता हूँ पहले, एंट्रेंस का क्वेश्चन मिल गया होगा आप सबको, पेपर मिल गया, हाँ दे दूंगा मैम, दे देना, टाइम है, आज तो आपका मॉर्निंग, आज तो ईद की छुट्टी होगी ना स्कूल, हाँ आज स्कूल की छुट्टी थी मैम, मैम छुट्टियां चल रही हैं, अच्छा ये केवी वालों का तो बहुत छुट्टियां मिलती है इनको, बहुत ज्यादा छुट्टियां मिलती है, और इस बार की कितने दिन की छुट्टियां पड़ी है अनुराग, कितने दिन की छुट्टियां है मैम, 10 दिन की, 10 दिन की, सही मैम, बाकी बचे ना